नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा चंदन की खेती के बारे में। दोस्तों इस खेती में बहुत ज़्यादा मुनाफा इसलिए क्योंकि दोस्तों एक तो चंदन महंगी होती है, दूसरा आपको फ़ायदा इसलिए कि इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल जगह रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे दोस्तों, कि जैसे अगर आपके पास जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन में जैसे कि खेत के चारों तरफ खेत के बीच में जो डोलियाँ निकालते हैं उन डोलियों को क्या है दोस्तों आप परमानेंट रख लीजिए और वहाँ पर ये पेड़ लगा सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या है दोस्तों कि आप अपनी जो खेती करते हैं, चाहे कोई भी खेती करते हैं, वो खेती भी करते रहें साथ में चंदन के पेड़, जो कि दोस्तों वो भी बड़े हो जाएंगे और थोड़े टाइम बाद वो भी आपको पैसा अच्छा बटा देंगे। इसमें बेनिफिट ऐसा है कि दोस्तों जो चंदन का पेड़ की जड़ें होते हैं बिल्कुल सीधी जाती है नीचे की तरफ, जिससे इतना बेनिफिट है कि आपको फसल को नुकसान नहीं होता। जैसे कि कई ऐसे वृक्ष होते हैं जैसे कीकर और काफ़ी पेड़ ऐसे होते हैं जो कि जड़ें फैलती है लंबाई, जिससे कि है कि वो जितनी दूर जड़ें जाती हैं वहाँ तक फसल बहुत ही कम होती है या फिर कई जगह पर देखा है होती नहीं है। जैसे अगर खेजड़ी की बात करें, खेजड़ी नॉर्मल पेड़ आपने देखा ही होगा कि उसकी जड़ भी सीधी जाती है, जिससे कि उसके पास भी अच्छी फसल होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कैसे कितने हज़ार का बिकेगा, क्या कुछ है सारा प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चंदन की जो लकड़ी है वो करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति किलो बिकती है। दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान है कि ऐसा नहीं कि पूरा पेड़, हाँ जी पेड़ के बीच में जो मेन लकड़ी होती है चंदन की वो बिकती है 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति किलो। बाकी लकड़ी थोड़ी सस्ती बिकती है पर अच्छा रेट सभी बिका जाती है। दोस्तों इस खेती को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 80,000 से 1,00,000 रुपये लगाने होंगे। इसके बाद आपको कम से कम 60,00,000 का मुनाफा हो सकता है। एक एकड़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप जितनी ज़्यादा खेती आपका खेत बड़ा है उतने ज़्यादा आप दूर तक खेती कर सकते हैं। दोस्तों चंदन की खेती करना अवैध भी है, लोगों को लगता है कि चंदन की खेती अवैध है जबकि ऐसा नहीं है। फार्मिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सफ़ेद चंदन की खेती करने को वैधता दी है। दोस्तों आप सफ़ेद चंदन की खेती करें जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। दोस्तों एक पेड़ को 10 किलो लकड़ी निकल जाती है, चंदन के एक पेड़ से आपको आसानी से 6 से 10 किलो लकड़ी मिल सकती है। अगर आप एक एकड़ में चंदन के पेड़ लगाते हैं तो इसके बाजार भाव के हिसाब से आपको बहुत ही आसानी से 60,00,000 का मुनाफा हो जाएगा। हालांकि इसमें आपको लगभग 10 से 12 साल का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि चंदन के पेड़ को बड़ा होने में कम से कम इतना समय लगता है। अगर आप अच्छे से खेत संभाल नहीं करेंगे तो टाइमिंग ज़्यादा भी बढ़ सकती है। अगर अच्छी तरह से उसकी टाइम टू टाइम संभाल रखेंगे, उसको अच्छी तरह से खाद और वगैरह देंगे, पानी देंगे, तो ये 10 से 12 वाला 8 से 10 साल भी हो सकते हैं क्योंकि कम समय में भी आप एक पेड़ को बड़ा कर सकते हैं। खेती करने के लिए क्या चाहिए होगा दोस्तों, आपके पास कोई 1-2 एकड़ की खाली ज़मीन हो या फिर आप खेत के चारों तरफ भी लगा सकते हैं तो इसमें आप अपनी चंदन की खेती कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पौधे खरीदने, सिंचाई व्यवस्था करनी है, खाद डालने और खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए 1,00,000 रुपए तक का खर्चा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा क्यों है कि जो चंदन का पेड़ थोड़े महंगा है, वैसे तो चंदन का जो पौधा है बाकी पौधों की तुलना में काफ़ी महंगा होता है, लेकिन अगर आप कई सारे पौधे खरीदने जाते हैं तो आपको ये 200 रुपये तक मिल जाएगा एक पेड़। शहरी इलाकों में जिन लोगों के प्लॉट खाली पड़े वो प्लॉट में लगा सकते हैं, उनके लिए ये चंदन की खेती बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि दोस्तों टाइम जैसे बढ़ेगा तो प्लॉट का रेट भी बढ़ता है, ये आपको पता ही होता है। प्लॉट का रेट भी बढ़ेगा तो अगर 10 साल आप वेट करते हैं तो 10 साल में प्लॉट का रेट भी डबल हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा और आपके चंदन का अच्छा मुनाफा भी उठा सकते हैं। कई ऐसे खेत जो उसको प्लॉट भी होते हैं जो कि शहर से थोड़े साइड में लोग लेते हैं तो उन वो क्या प्लॉट की कीमत कम होती है और प्लॉट अच्छे बड़े प्लॉट होते हैं तो उनमें ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिटी के बीच में नहीं हो सकता, बाकी अन्य जगह आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ था इसका प्रोसेस। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें, कुछ भी पूछना है कि कैसे क्या कुछ करना और तो मैं इसकी कंप्लीट वीडियो भी ला सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, वीडियो बना दूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।